चलिए देखिए, मैंने इसमें आपको ये पढ़ाया हेडिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका मीन क्या होता है, किसी भी प्लेनेट के अराउंड एक फील्ड होती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, इसके जो बाहर का हिस्सा उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। तो इस हेडिंग का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी 1 kg मास को, मतलब यूनिट मास को, 1 kg मास को इनफाइनाइट मतलब की बाउंड्री के बाहर का कोई भी पॉइंट इनफाइनाइट से इसकी फील्ड के किसी भी पॉइंट पे लेके आना है। इस 1 kg मास को इस फील्ड के किसी भी पॉइंट पर लेके आने के लिए हमें जितना काम करना पड़ता है, ठीक है, दैट वर्क डन इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, पॉइंट पी स्क्वायर में होगा। वही लिखा मैंने, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास मतलब 1 kg फ्रॉम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या है यहां बाहर से, टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ पे इस पॉइंट लाने के लिए, कैसा स्लोली लाने के लिए, ये बड़ा खास बात है इसमें, क्या बहुत जल्दी जल्दी लेके नहीं आ रहे, बहुत ही आराम से धीमे 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 लेके आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे होता है कि भाई अगर बहुत स्लोली काम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या लगभग सेम रहेगी, तो हमें उसको नहीं पढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मीन क्या, स्लोली मीन्स क्या होता है कि स्पीड बहुत कम होगी तो हम उसको कंसिडर करेंगे। इट्स डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, इस पॉइंट पी का, ठीक। आगे आता है, इफ W वर्क इज टू बी डन, मान लो मैंने W काम किया 1 की, इसको यहां से लाने के लिए कितना m kg मास, तो आप कहेंगे मैंने m kg से क्या काम किया, W काम किया, देन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, तो यह आएगा, देखिए V आएगा, VP आएगा, W ये क्या आएगा इनफाइनाइट से P तक आने के लिए, ये क्या आएगा m kg, आप ऐसे बोल सकते हैं, ये W बोल दीजिए, बस इतना बोल दीजिए, तो वो तो W में डिफाइन किया ही हुआ है, W पर इतना में आ जाएगा, सबको समझ आ गया इतना, यूनिट क्या होगा जूल पर kg, सबको समझ आ गया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बच्चे, सर वो ऑब्जेक्ट, यस सर, सर वो ऑब्जेक्ट जब वो बिगर सर्कल के अंदर आएगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा ना, लेकिन हमसे बोला क्या है, ठीक है, कि हम उसको जब यहां से यहां तक ला रहे होते हैं तो हमने उसका बहुत ही धीमे धीमे लेके आ रहे होते हैं, ठीक है भाई, हम लेके आए ना, हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है, जब उसको अब यहां से यहां लेके आएंगे तो आप उसको बहुत ही स्लोली स्लोली नीचे लेके आ रहे होते हैं इसके पास, ठीक है। तो ये जो वर्ड लिखा है स्लोली, इसका बोलने का मतलब क्या होता है कि भाई अगर स्पीड बहुत कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम आएगी, ठीक है, तब वो काइनेटिक एनर्जी को नहीं डिस्कस करना पड़ता है, लगभग काइनेटिक्स क्या होती है लगभग सेम आती है। तो यू कैन से कि 1 kg को यहां से लाने में बहुत ही धीमे धीमे आप ला रहे हैं, ठीक है, पॉइंट पी तक लेकर के आए, तो जितना काम किया, ठीक है, दैट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहां से स्पीड हमको बढ़ाना नहीं, मेंटेन रखना है, मतलब कि हमको स्पीड बहुत कम रखना है, ध्यान रखिए। ओके सर, इसमें क्या लिखा है इसके बारे में, वीपी, तो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज L2T-2 इतना, ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में। अब इसको जब मुझे पढ़ाना है आपको, इसमें एक बात और पढ़ाने के लिए आपको पाई जाती है कि एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस
ठीक है, ये देखिए समझिएगा, सामने हेडिंग लिखी मैंने, देखिए ये जो हेडिंग लिखी इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि हम जब किसी 1 kg को उसमें मूव कराएंगे तो फील्ड के अंदर ही मूव कराएंगे। जैसे हमने कहा है कि ये एक प्लेनेट है, इसकी अपनी फील्ड है इस तरीके से, ये हम देखा है प्लेनेट देखा, ठीक है। मुझको बोला गया है किसी 1 kg को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर के आ पाए, कहां लाए पॉइंट बी तक लेकर के। तो इसमें लिखा होता है कि हम किसी 1 kg मास को, ठीक है, 1 kg मास को, ठीक है, इसी फील्ड के अंदर, ठीक है। अब हम लोग इनफैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं फील्ड के अंदर की बात कर रहे हैं, फील्ड की बात कर रहे हैं। तो अगर 1 kg मास को पॉइंट ए से, जो कि इस फील्ड के अंदर है, पॉइंट बी वो भी क्या है, फील्ड के अंदर है, 1 kg मास को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आते हैं तो जितना काम करना पड़ता है, ठीक है भाई, काम तो यानी करना पड़ेगा, ठीक है। 1 kg मास को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने के लिए जितना भी काम करना पड़ेगा वो होगा इन दोनों पॉइंट के बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट क्लियर? पता है सबको समझ आ गया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाकर जब क्वेश्चन करेंगे तो जितने क्वेश्चन आपके ईक नहीं आते उससे ज्यादा वीक आते हैं, वीक भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी बात बताना चाहिए। सबको समझ आ गया? देखिए यहाँ मैंने क्या बताया आपको, यहाँ मैं किसको लाया, मैं 1 kg को लाया, किसको लाया 1 kg, कहाँ से लाया बताओ, यहाँ कहाँ से कहाँ तक गए? सर इनफाइनाइट से पॉइंट पी। हाँ वेरी गुड, हम लोग इनफाइनाइट से पी पे गए। इनफाइनाइट कहाँ है? फील्ड के बाहर है। पी कहाँ है? फील्ड के अंदर है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग ए से बी जा रहे हैं, ए कहाँ है? फील्ड के अंदर है। बी कहाँ है? बी का है, वो भी फील्ड के अंदर है। तो आपको यहाँ पे जो ट्रेवलिंग करनी है वो फील्ड के अंदर ही करनी है, फील्ड में ही करनी है, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 kg मास को, 1 kg मास को ए से बी पे लेके आए तो जितना काम करना पड़ेगा वो होगा इन दोनों पॉइंट के बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जब देखिए ये नाम सामने आया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बस ये होगा, तो इसका मतलब साफ होता है कि हमको इनफाइनाइट से आना है, कंफर्म होता है। जब नाम ये सामने आता है डिफरेंस, तो हमको पता होता है कि हमको ए से बी जाना होता है, ए क्या है फील्ड में है, बी कहाँ है वो भी भाई फील्ड में ही है, दोनों पॉइंट फील्ड में, हम लोग फील्ड में ही घूम रहे हैं, समझे, ये इसका मीनिंग आ गया। सबको समझ आ गया? यस सर, ये समझ। जैसे हम मान लो भाई कि हमारा, हम अपनी कंट्री मान लेते हैं कि हमारी कंट्री, हमने कंट्री में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। अब इंडिया के बाहर क्या, इंडिया के बाहर जो भी है इनफाइनाइट होगी, ठीक है। तो अगर किसी को भाई बाहर से आना है, किसी को श्रीलंका से इंडिया आना होता है, तो श्रीलंका कहाँ है भाई, फील्ड के बाहर, तो वो उसमें आप बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन हमको कहा नहीं यार, हमको तो दिल्ली से मुंबई जाना है, तो दिल्ली मुंबई क्या है, सब तो इसी के अंदर आ रहा है ना। तो आप अगर उसी के अंदर ही घूम रहे हैं, उसी फील्ड में ही घूम रहे हैं, उसी फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहे होते हैं, तो नाम आता है डिफरेंस। नाम क्या आता है? डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। लेकिन आप कहीं बाहर से आते हैं तो नाम आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फिर वहां पे आपको डिफरेंस नहीं बोलना होता, क्योंकि मुझको पता होता है कि वी आर कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। सबको समझ आ गया बच्चा, बताइए? यस सर। इसको मैं लिख देता हूं, आप लिखिए मेरे साथ में, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम अ पॉइंट to another point in the gravitational field,
ग्रेविटेशनल फील्ड द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम पॉइंट टू अदर पॉइंट इन दैट गिवन फील्ड इज डिफाइंड एज gravitational lens difference between these points thing is fully get the answer dinner board samne clear yes sir जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी में लिखो फटाफट जो लिखा मैंने बोर्ड पे Sir, you are muted. सबको मेरी आवाज आ रही है? देखिए VAB क्या होता है? VAB होता है VB माइनस VA इक्वल टू क्या हुआ? WAB अपॉन M. इसको लिखिए डब्ल्यू ए बी अपॉन एम ए सी बी तक आने फर्स्ट ब्लड ठीक है. देखिए इसका मीन क्या था ए बी का. देखिए ए से बी पे गए ना तो बी आपका हो गया फाइनल पॉइंट. ए क्या हो गया इनिशियल पॉइंट. तो वी ए बी क्या होगा? वी बी माइनस बी ए मतलब डब्ल्यू ए बी. डब्ल्यू ए बी क्या होगा कि भाई ए से बी तक आने के लिए कितना काम करना पड़ता है. डब्ल्यू ए बी इसको लेके ध्यान रखो. सपोज हम आगे क्या आएगी सेम आएगी निकल दिया. इसके बारे में आता है जब सबका खत्म सबका हो गया. अब देखिए इसमें लिखते हैं कि इसके पहला पॉइंट आ गया सर क्लासिफिकेशन. फर्स्ट पॉइंट कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल due to a point mass sabko samajh aa raha hai. aur ek baat aur likh diye isme ki this is a scalar quantity. ye kya hoti hai scalar quantity. theek hai सबको समझ आ गया? यस सर. भाई देखिए स्केलर वेक्टर का बड़ा दिक्कत होती है. अगर वेक्टर होगा आपको बोलना पड़ेगा वेक्टर सम. अगर स्केलर होगा तो आपको बोलना पड़ेगा स्केलर सम. स्केलर सम बड़ा आसान होता है कि 5 + 2/7 होता है. लेकिन अगर वेक्टर सम आएगा तब बोलोगे 5 कहाँ पे है 2 कहाँ पे है उनके बीच का एंगल क्या है वो देखना पड़ता है.
तो ये स्केलर है, तो इसलिए हम जब इसमें निकालेंगे आगे टोटल करेंगे तो हमें सिंपली अलजेब्रिक एडिशन करना पड़ता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, 5+2 आपका 7 आता है इस तरीके से। सबको समझ आ गया? इसको मैं आगे देख पढ़ाता हूँ कैसे। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे पॉइंट मास है, मैंने ऐसे मान रखा है इस तरीके से, या इसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। और इसके प्लेनेट से सपोज यहाँ पे ये आपको रखा है ऐसा, ये आ गया आपका इनफाइनाइट। आप किसी एम के जी को इसकी फील्ड में लाते हैं, किसी पॉइंट पी पे लेके आते हैं, मान लो उसको आप ए से बी पे लेकर के आए, ए से कहां लाए, बी पे। सबको समझ आ गया? जो ए पॉइंट है जो से आपको रखी गई है, ये dx आती है, इसका मास क्या सपोज m आता है, इसका मास क्या होता है स्मॉल m आता है। समझ गए सामने डायग्राम बताइए। व्हाट इज ब्लर? ब्लर चलिए सबको दिख रहा है बोर्ड क्लियर सामने? सर सबको दिख रहा सामने बोर्ड बच्चा? नो सर। नो सर बोर्ड फिर से ब्लर हो गए हैं। Then the gravitational force then
देख जब वो पॉइंट एम मास एम ए पे होता है तब कितना फोर्स काम करेगा? Then the gravitational force excuse me sir सर वो ए और बी के नीचे क्या लिखा है मिडल में? dx 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 ओके सर dx मतलब होता है बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच का ओके सबका यस सर देखिए इसके आगे कि जब मैं एम को लाया ए पे रखा हुआ है तो इसमें कितना फोर्स काम करेगा? देन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट तब एफ जी काम करेगा। एफ जी क्या होता है? होता है जी एक्स स्क्वायर ठीक है आपका इतना आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर यस सर। सो द वर्क डन टू ब्रिंग सर जी बोर मत करो क्लास बंद कर दो Excuse me, sir. Sir, क्या आप K01 अली M को बाहर निकाल सकते हो? कौन है ये? Shut up. कर रहा है वो। हाँ सर बहुत हाँ सर बहुत कर डिस्टर्ब कर रहा है ठीक है। अब देखिए सो द वर्क डन टू ब्रिंग द मास एम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ठीक है। डब्ल्यू बी कितना आएगा? फोर्स into displacement into cos का 0 degree। ऐसा होता है देखिए कि आप A से B पे आ रहे हैं और force भी यही लगा हुआ है ना, दिख रहा है force आपको? तो you can say force और A भी दोनों एक ही direction में, बीच का क्या होगा? cos 0 degree आएगा। तो WAB कितना आएगा? आप कहेंगे WAB भाई कितना आएगा? force कितना होता है ये लिखा हुआ है G capital M small m upon x square dx, ये क्या वन आता है? तो पूरा पूरा आपका आएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स ठीक है। नाउ द वर्क डन टू ब्रिंग
the mass m. From infinite to point P. ये W कितना है? Infinite से P तक का W लिखा है इसमें. W. ये क्या है? लगा G capital M small m upon x square dx का integration integration. अब देखिए हमको लगाना है यहाँ पे integrate करना है तो मुझे तो पता है भाई आपको भी आता है कि x square क्या होता है integration इसको मैं ऊपर लाऊंगा तो लेकिन बात आएगी limits की आओगे कहाँ से कहाँ जाना है तो आपको कहाँ से आना है भाई infinite से जाना कहाँ पे है p पे is it clear सबको समझ आ रहा है? Yes sir. Yes sir. आपको आना है infinite से कहाँ पे आना है p के पास में जब आप होंगे infinite पे तो distance क्या होगी infinite और जब आप होंगे p पे तो क्या हो distance इस center से बताइए अगर वो p पे पहुंच जाएगा तो distance क्या होगा center से mass cantilever के center से r कितनी होगी बोलिए सर हाँ स्मॉलर ठीक है सबको समझ आ गई अब कितना होगा इसका देखिए इसमें देखिए g इसमें क्या होगा देखिए g कैपिटल में स्मॉल m ये तो भाई बाहर आ गया ये हो गया x की पावर माइनस टू dx और लिमिट आ गई इनफाइनाइट से यार फिर w कितना है या g कैपिटल m स्मॉल m इसको करेंगे इंटीग्रेट कितना है भाई पावर में एक जोड़ दीजिए तो x की पावर माइनस वन अपॉन क्या माइनस वन लिमिट लगा दी गई इनफाइनाइट से यार तो डब्ल्यू कितना आएगा नेगेटिव बाहर ले आए ये वन अपॉन एक्स अंदर ले गए डब्ल्यू कितना आएगा जाएगा माइनस का जी कैपिटल में स्मॉल एम या वन अपन आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सबको समझ आ गया इतना बताइए यस सर इसमें क्या होगा ये पूरा जी क्यों लिया माइनस जी क्योंकि इसकी नेगेटिव जो अंदर लिखा था माइनस इसको उठा के बाहर ले आया ना ये आपने सीखा ना भाई माइनस टू में एक जोड़ दीजिए नियम क्या होता है हाउ टू इंटीग्रेट जो भी पावर लिखी हो जिसमें आप एक जोड़ते हैं तो माइनस टू में एक जोड़ दिया गया तो आपने बोला माइनस टू प्लस वन कितना आ गई है माइनस वन और उसी का डिवाइड माइनस वन का जब ये नेगेटिव वन बाहर जाएगा तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा समझ में गया यस सर अब क्या करें भाई ये तो हमको समझ में आ रहा है कि ये पूरा क्या होता है जीरो जीरो आता है तो W कितना आता है या था माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V कितना होता है VP ये था W अपान है ठीक है W क्या रखा है माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m R डिवाइड स्मॉल m स्मॉल m कट गया ये माइनस का G कैपिटल M अपान क्या आ गया R आ गया कितना लिखे यहां तक का पूरा सबका हो गया
यस सर। वेट सर। यस सर। सर एक मिनट सर। सबका हो गया बच्चा इधर का, ये सबका हो गया इधर का, ये जो लेफ्ट साइड का। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि भाई बी का जो आंसर आया मेरा बीपी आंसर आया, ये निगेटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया ना, देखिए यहाँ पे ध्यान दिखा मास्क के काम में तो निगेटिव आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पे होता है हमेशा अट्रैक्शन, जैसे ही आप किसी प्लेनेट की फील्ड में एंट्री करते हैं तुरंत वो प्लेनेट आपको करता है अट्रैक्ट, मतलब कि हमको नीचे आने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है बल्कि हम अपने आप नीचे आ रहे होते हैं। तो अगर आपको काम करना पड़े, ठीक है, इफ द वर्क इज डन डूइंग बाय यू देन दैट विल बी पॉजिटिव, इफ वर्क इज डूइंग ऑटोमेटिकली, वर्क भाई अपने आप हो रहा है हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब क्या था, वर्क आपका निगेटिव आता है, तो वर्क क्या निगेटिव देखे आया था इसलिए वीपी भी निगेटिव आ गई। ठीक है, तो चैप्टर देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन, चैप्टर ग्रेविटेशन देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन, इसलिए वीपी के फॉर्मूले में हमेशा निगेटिव आएगा, बस कभी आर बदल जाएगा कभी एम बदल जाएगा, ये सब आपको होता रहेगा इसमें। फिर अगला नंबर क्या आता है इसका, इसका मैं क्वेश्चन भी आपको देता हूँ करने के लिए, सपोज कि फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम 10 मीटर फ्रॉम अ मास मान लीजिए, कितना मान लीजिए 40 kg। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, उसने कहा ये कोई मास दे रखा है, कितने डिस्टेंस है पॉइंट पी पता करना है, 10 मीटर आ रहा है, कितना मास है कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम कितना दे रखा है आपको, सपोज 40 kg, आर क्या दे रखा है आपको, सपोज 10 मीटर, सिंस वी क्या होता है मास का जी एम पान आर, मास का जी, जी कितना होता है भाई आपको पता ही, इसको पता है जी क्यूल क्या होती है 6.67 × 10⁻¹¹ एम क्या 40 kg, ये क्या 10, ठीक है, तो 10 से कटेगा 40 आएगा 4, 4 का मल्टीप्लाई इससे करता हूँ 4 × 7 कितना आएगा भाई, सोच लो इसको ट्राई कर दो, जूल पर केजी
या इसको वैसे भी बोल सकते हैं, तो v आपका आएगा 2.668 10 की पावर माइनस 10 माइनस का ठीक है। ये ग्रुप क्या होगा, हम कहेंगे यहाँ पे कि ये भी मास M1 है, ये मास क्या है, सपोज M2 है, ये मास क्या है, M3 दे रखा है, M1 M2 और M3, इस पॉइंट P पर इसे देखिए इससे कितना आएगा V1, इससे कितना आएगा V3। तो क्या होगा कि इस पॉइंट P पे जो आपका होगा टोटल पोटेंशियल, टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम, मतलब कि स्केलर सम, स्केलर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पोटेंशियल्स। तो Vp जो होगा वो सिंपल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, इसमें कोई भी वेक्टर नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई एंगल नहीं है, कुछ नहीं है। अगर इसकी वैल्यू सपोज 5 है, इसकी कितनी मान लो 10 है, ये कितनी सपोज 15 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 प्लस 10 प्लस 15 जितना भी आ जाए, ठीक है, पूरा मिला के आपका 30 आ जाएगा। तो वी पॉइंट पी पे जो होगा टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो 30 आएगा, माइनस 30। इज इट क्लियर, मैं लिखा भी देता हूं। द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at a point due to multiple masses algebraic sum of algebraic sum of all excuse me sir sir Vedant waiting room mein sir usko lo na आगे देखिए अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स, सो Vp जो आएगा वो का V1 प्लस V2 प्लस V3
इतना पढ़ा है। ठीक है, क्या जाएगा माइनस का जी एम वन अपन आर वन सर। वो आपने VP is equal to GM1 upon R1 minus minus फिर आपने GM3 के बाद plus क्यों लिखा है? वो भी minus है ना? सबको जोड़ा गया है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ वैल्यू नहीं रखी हुई है भाई। V1 क्या होता है? V1 की देखिए, V1 यहाँ सब प्लस दिख रहा है आपको, देखिए सब प्लस दिख रहा है, प्लस इसमें दिख रहा है। yes, sir. इसकी वैल्यू क्या है? माइनस। इसकी वैल्यू क्या है? माइनस। इसकी वैल्यू क्या माइनस होगी? इसके आगे जो लिखेगा उसकी वैल्यू भी माइनस होगी, पर मैंने वैल्यू लिखी नहीं है इसलिए मैंने उसको साइन नहीं दे रखा है। okay, जब निगेटिव कॉमन करेंगे तो सब में निगेटिव कॉमन आ जाएगा। जी सब में सेम दिख रहा है, जी कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आएगा m1 / r1 + m2 / r2 + m3 / r3 चलता रहेगा। इसका मैं क्वेश्चन करता हूँ जो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। Two masses, 10 kg and 20 kg. अगर डिस्टेंस मान लो ट्वेंटी सेंटीमीटर, देन फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इट्स मिड पॉइंट। ये कौन है? 10 केजी। ये कौन है? 20 केजी। इसका मिड पॉइंट पॉइंट सी मान लो, ये कितना आएगा? मेरी पूरा 20 है ना, 10 सेंटीमीटर आएगा। ये कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। इतना यहां देखिए M1 क्या रखा है? 10 केजी। R1 क्या रखा है? 10 सेंटीमीटर। 10 की पावर माइनस 2 मीटर। M2 क्या रखा है? 20 केजी। आर टू क्या रखा है? 20 कितना आएगा? देखिए V1। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Thank you.
सर M2 20 into 10 आएगा ना? M2 कितना आएगा? सर 20 into 10 आएगा, आपने 10 into 10 मल्टीप्लिकेशन के वहां पे। अरे वो R2 है, R2 M2 का मान ये R2 लिखा हुआ है ना? नहीं सर, उसके आगे इक्वल्स टू में R2 10 है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 को मल्टीप्लाई किया है। सेंटीमीटर बनाया मैंने मीटर, यही करते हैं ना? ओके सर, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी। कितना देखिए VP कितना आएगा, VP जो आता है वो आता है V1 plus V2। VP क्या आएगा? माइनस का जी एम वन अपन आर वन, अब माइनस का जी एम टू अपन आर टू। अब देखिए माइनस कॉमन आ गया दोनों में से, तो माइनस का जी एम वन अपन आर वन तो जी बाहर रख दिया। कितना एम वन है? 10 के जी। कितना आर वन है? 10। 10 के बाद माइनस का 2, ये कितना है? 10। 10 10 के बाद माइनस 2, समझ गया। लेकिन ये M2 कितना है? 20 है। M2 क्या है? 20। VP क्या है? माइनस का जी। 10 कट गया, इचला गया ऊपर, इससे कट गया, यहाँ क्या 2 into 10 के पावर माइनस 10 के पावर 2 आ गया, और यहाँ क्या 1 into 10 की पावर 2, ठीक है। ये का माइनस का 6.67 माइनस 11 into, ये कितना का पूरा? 310 की पावर 2। सबको समझ में? यस यस सर। अब देखिए ये 6.63, इसका 3 से मल्टीप्लाई, 3 7 21 1 होगा, 3 18 2, ये पूरा पूरा 20 आ जाएगा। और 10 के पावर क्या आएगा? ये 11 और 2 माइनस का 9 आएगा जूल पर केजी, तो वीपी आएगा माइनस का 2.0। हाँ बच्चा, सब दिख रहा है सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है? यस सर। यस सर। सर ठीक है, हाँ बोलो सर। श्रेयस वेटिंग रूम में, उसे अंदर लो ना मीटिंग के। ठीक है, सबका हो गया इतना? यस सर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग करेंगे, ठीक है। और इसका जो तीसरा पॉइंट बचा हुआ है, वो बचा हुआ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो नेक्स्ट में होगा। लेकिन मैं पहले आपको कुछ काम दे देता हूँ करने के लिए।